प्रसन्नता है, खुशी है इस बात की। निकाय चुनाव नवंबर दिसंबर में प्रस्तावित है, अभी उसकी तारीखें आना बाकी हैं और आम आदमी पार्टी काफी लंबे समय से नगरों के अंदर कमेटी बनाने का काम कर रही है, वार्डों में वार्ड अध्यक्ष, बूथ में बूथ अध्यक्ष, इस प्रकार का अभियान हमने पूरे वो मुद्दा भी आपके सामने उठा रहे हैं, उसकी भी लड़ाई लड़ेंगे। जहां जहां आप लोगों ने बहुत सारी जगहों पे मीडिया वाले गए, उन्होंने सूखा भात की कहानी सामने की, उन्होंने नमक रोटी की कहानी सुनी, ये तो हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है, इसमें हम डरेंगे तो कहां से काम चलेगा। हमें डरना नहीं है और इसीलिए हम कह रहे हैं बच्चे ना भेजें, उनके अभिभावक भेजें प्रधान। और तो ये एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला कन्नौज का है, कन्नौज का है। देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, कन्नौज के अंदर क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में एक बच्चे ने जब शिकायत की कि मिड डे मील में हमें ठीक से खाने को नहीं मिलता, तो उसको मार मार के पीठ उसकी लाल कर दी। जब सूचना मिलती है और तिमाही परीक्षा होने वाली है, बच्चों को 50% किताब नहीं मिली, किताब बच्चों को 50% किताब ही नहीं मिली अब तक जो सरकार के द्वारा दी जाती है। यह है उत्तर प्रदेश में शिक्षा की हकीकत। सवाल पूछने होंगे हम लोगों, सवाल उठाने होंगे हम लोगों, सवाल पूछना होगा एक, क्या कर रहे हैं आप हमारे बच्चों के भविष्य के साथ। गठौर सोनभद्र में एक जगह है, वहां भी पिछले दिनों समाचार आया, छोटे छोटे मासूम बच्चों को नमक रोटी दी गई मिड डे मील में खाने के लिए। देवरिया में समाचार आया, टीवी चैनल ने चलाया भी इसको, भात और नमक दिया जा रहा है बच्चों को खाने के लिए। जब